गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज अनिल के शर्मा और आज हम यूनिक्स कमांड प्रॉम्प्ट पे यूनिक्स या फिर लाइनक्स में बीसी कमांड का प्रैक्टिकल डेमो देखेंगे। तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में बीसी कमांड जो है वो एक कैलकुलेटर की तरह काम करता है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे कि बीसी कमांड का फर्स्ट यूज़ क्या है। तो बीसी कमांड का जो फर्स्ट यूज़ है वो है, बीसी कमांड इज़ यूज्ड फॉर एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न ऑफ टू नंबर्स। तो किसी भी दो नंबर के ऊपर अगर हमें एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न परफॉर्म करना है तो बीसी कमांड को यूज़ करके कर सकते हैं। तो इसके लिए सिंपली क्या करना है, यूनिक्स कमांड प्रॉम्प्ट पे जा करके हमें टाइप करना है बीसी और इसके बाद एंटर प्रेस करनी है और फिर किसी भी दो नंबर के ऊपर एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न को परफॉर्म कर सकते हैं। और इस बीसी कमांड से बाहर आने के लिए कंट्रोल को होल्ड करके रखेंगे और डी को प्रेस करेंगे। तो आइए इसको यूनिक्स कमांड प्रॉम्प्ट पे करके देखते हैं। तो ये हमारा यूनिक्स या लाइनक्स का कमांड प्रॉम्प्ट है। तो यहाँ पे बीसी कमांड को यूज़ करके दो नंबर के ऊपर एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न परफॉर्म करके देखेंगे। तो सबसे पहले टाइप करेंगे बीसी, इसके बाद एंटर और कोई भी टू नंबर, 12 + 5 = 17, 12 - 5 = 7, 12 × 5 = 60, 12 / 3 = 4। तो ये था एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। अब इस बीसी कमांड से मुझे बाहर आना है तो मैं कंट्रोल को होल्ड करके रखूँगा और डी को प्रेस करूँगा। तो ये मैंने कंट्रोल को होल्ड करके रखा और डी को मैंने प्रेस कर दिया, तो ये मैं बीसी कमांड से बाहर आ गया। तो ये था बीसी कमांड का फर्स्ट यूज़। तो क्लियर कमांड से इसको क्लियर कर लेते हैं, CLEAR क्लियर एंटर। तो ये था बीसी कमांड का फर्स्ट यूज़। अब देखते हैं कि बीसी कमांड का सेकेंड यूज़ क्या है। तो बीसी कमांड इज़ यूज्ड विद इको कमांड फॉर एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न ऑफ टू नंबर्स। तो बीसी कमांड को इको कमांड के साथ यूज़ करके भी हम एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न दो नंबर के ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं। इसके लिए यूनिक्स कमांड प्रॉम्प्ट पे जा करके टाइप करना है इको और एडिशन, अगर दो नंबर पे एडिशन परफॉर्म करना है तो डबल इन्वर्टेड कोमा में दो नंबर के बीच में प्लस का साइन रखना है और सब्सट्रैक्शन परफॉर्म करना है तो दो नंबर के बीच में माइनस का साइन रखना है, दो नंबर के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन रखना है, दो नंबर के बीच में ऑब्लिक का साइन रख करके इसके बाद पाइप लाइन को टाइप करके बीसी कमांड को टाइप करके एंटर प्रेस करेंगे। तो आइए इसको भी प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो सबसे पहले टाइप करेंगे इको, इसके बाद मुझे एडिशन परफॉर्म करना है तो 12 + 5 डबल इन्वर्टेड कोमा क्लोज स्पेस और शिफ्ट के साथ एंटर के ऊपर वाली की, लाइन वाली की को प्रेस करना है। तो शिफ्ट एंटर, ये पाइपलाइन हो गया, इसके बाद बीसी एंटर प्रेस करेंगे तो ये दो नंबर को ऐड करके इसने 17 रिटर्न कर दिया। अब मुझे सब्सट्रैक्ट परफॉर्म करना है, सब्सट्रैक्शन परफॉर्म करना है तो इको इसके बाद डबल इन्वर्टेड कोमा 12 - 5 डबल इन्वर्टेड कोमा क्लोज इसके बाद पाइपलाइन बीसी और एंटर।
ये आपका सब्सट्रैक्शन परफॉर्म हो गया। इसके बाद मल्टीप्लाई परफॉर्म करना है मुझे, तो 12 इंटू 5 इसको क्लोज करना है, पाइपलाइन बीसी और एंटर। ये 12 इंटू 5 इक्वल टू 60। अब मुझे डिवीजन परफॉर्म करना है, तो डबल इन्वर्टेड कोमा में 12 अपॉन 3, डबल इन्वर्टेड कोमा क्लोज, पाइपलाइन बीसी एंटर। ये डिवीजन परफॉर्म हो गया। तो इस तरीके से इको कमांड को, बीसी कमांड के साथ इको कमांड को यूज़ करके भी हम एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये था बीसी कमांड का सेकेंड यूज़। तो इसको क्लियर कर लेते हैं क्लियर कमांड से। तो अब देखते हैं बीसी कमांड का थर्ड यूज़ क्या है। तो बीसी कमांड का जो थर्ड यूज है वो है, बीसी कमांड इज यूज टू ट्रंकेट टू टू डेसिमल प्लेसेस व्हेन परफॉर्मिंग डिवीजन ऑफ टू नंबर्स। अब किसी भी दो नंबर के ऊपर मुझे डिवीजन परफॉर्म करना है, बट मैं चाहता हूँ कि जो भी मेरा आंसर आए वो पॉइंट के बाद दो वैल्यू तक आए, टू डेसिमल तक आए। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, यूनिक्स कमांड प्रॉम्प्ट पे जा कर के टाइप करूँगा बीसी, इसके बाद एंटर प्रेस करूँगा और पॉइंट के बाद टू डिजिट तक वैल्यू मुझे चाहिए, तो स्केल इक्वल टू टू करूँगा। अगर थ्री डिजिट तक चाहिए मुझे पॉइंट के बाद, तो स्केल इक्वल टू थ्री करूँगा। फोर चाहिए मुझे, मतलब पॉइंट के बाद फोर डिजिट तक वैल्यू चाहिए, तो स्केल इक्वल टू फोर करूँगा। और इसके बाद 17 अपॉन 7, जिस भी नंबर के ऊपर डिवीजन परफॉर्म करना है वो नंबर, और बीसी कमांड से बाहर आने के लिए कंट्रोल प्लस डी। तो आइए इसको भी प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो इसके लिए मैं सबसे पहले टाइप करूंगा बीसी एंटर, इसके बाद पॉइंट के बाद टू डिजिट तक मुझे वैल्यू चाहिए, तो स्केल इक्वल टू टू एंटर, और इसके बाद 17 अपॉन 7। तो ये पॉइंट के बाद टू डिजिट तक वैल्यू यहाँ पे शो हो रही है। तो इसके बाद मुझे बीसी कमांड से बाहर आना है, तो कंट्रोल प्लस डी, ये मैं बाहर आ गया। तो ये था बीसी कमांड का थर्ड यूज। इसको क्लियर कर लेते हैं, ये क्लियर कर दिया मैंने। अब देखते हैं कि बीसी कमांड का फोर्थ यूज क्या है। तो बीसी कमांड इज यूज टू परफॉर्म स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर। तो किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालने के लिए भी बीसी कमांड को यूज करते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, इसको दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो सिंपली यूनिक्स कमांड प्रॉम्प्ट पे जाकर के टाइप करना है बीसी, और इसके बाद एंटर प्रेस करनी है, फिर स्क्वायर SQRT ऐसे टाइप करके ब्रैकेट में 196 रखना है, तो इसका स्क्वायर रूट निकाल करके डिस्प्ले कर देगा। और इसके बाद बीसी कमांड से बाहर आने के लिए कंट्रोल प्लस डी प्रेस करेंगे। और एक दूसरा तरीका ये है कि इको कमांड के साथ भी हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, तो इको टाइप करके इसके बाद स्केल इक्वल टू, मतलब पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू तक हमें, पॉइंट के बाद हमें कितने डिजिट तक वैल्यू लेनी है, तो वो यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे। तो ऊपर मैंने 2 लिया था, पर मैं चाहता हूँ 30 लेना चाहता हूँ मैं, तो पॉइंट के बाद जो है 30 डिजिट तक वैल्यू को ये शो करेगा, और 196 का ये स्क्वायर रूट निकाल करके रिटर्न करेगा पाइपलाइन, और फिर बीसी कमांड को टाइप करके हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। तो आइए इसका भी प्रैक्टिकल डेमो करके देखते हैं। तो सबसे पहले बीसी कमांड से स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो बीसी एंटर, और इसके बाद SQRT स्क्वायर रूट ब्रैकेट में रखना है 196
कोई भी वैल्यू आप ले सकते हैं जिसका स्क्वायर रूट है, तो उसे समझने में आसानी होगी। तो 196, इसको क्लोज कर देता हूँ ब्रैकेट को, इसके बाद एंटर 14। तो 196 का जो स्क्वायर रूट है वो 14 है। अब मुझे बीसी कमांड से बाहर आना है, तो कंट्रोल दबा करके डी प्रेस करनी है, तो ये कर दिया मैंने, ये बाहर आ गया। अब स्क्वायर रूट मुझे इको कमांड के थ्रू निकालना है बीसी कमांड को यूज़ करके, तो मैं टाइप करूँगा इको, इसके बाद सिंगल कोटेशन स्केल, और स्केल इक्वल टू आप 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, लेकिन मैं जो है 30 ले लेता हूँ, ताकि इसका इफ़ेक्ट आपको अच्छे से पता चल सके। तो यहाँ पे 30 ले लिया मैंने, और इसके बाद कॉलन, इसके बाद SQRT स्क्वायर रूट ब्रैकेट में 196 ब्रैकेट क्लोज सिंगल कोटेशन क्लोज, इसके बाद पाइपलाइन बीसी और एंटर प्रेस करेंगे, तो ये 196 का जो स्क्वायर रूट है वो है 14, और 14 के बाद पॉइंट के बाद इसने 30 स्केल इक्वल टू, मैंने यहाँ पे 30 टाइप किया है, इसलिए पॉइंट के बाद 30 डिजिट तक इसने जो है शो किया है। तो इस तरीके से हम किसी भी नंबर के ऊपर बीसी कमांड को यूज़ करके स्क्वायर रूट भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसको क्लियर कर लेते हैं क्लियर कमांड से। तो ये था बीसी कमांड का यूज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।